अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। मैं शाहिद महमूद, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे काम क्या है और किस किस्म की हमारी जो जॉब है और टाइमिंग क्या क्या है और उसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं डेली की, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि तुर्की में काम किस किस की नौीयत के हो सकते हैं और उनमें क्या क्या मतलब आपको एक्टिविटीज़ करना पड़ सकती हैं। तो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अभी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। जी, तो मैं अभी हम घर से निकले हैं, ये मेरी रिहाइश है यहाँ पे और यहाँ से हम नीचे ये जी हम बाहर आ गए और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सारे बार्स हैं, रेस्टोरेंट एरिया है और ये वो गली है। यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स और सुपर स्टोर्स वगैरह हैं। ये रेस्टोरेंट हमारे साथ है और टोटल टूरिस्ट एरिया है ये हिसारनू, जहाँ पे हम रहते हैं। हिसारनू और ओलुदेनीस, ओलुदेनीस वर्ल्ड फेमस जो है वो दुनिया में हर जगह पे मतलब इसको जो है ना रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये साहिल भी यहाँ पे है और ब्लू लगून के नाम से आपने नाम सुना होगा, जो है वो यहीं पर है और इनका ब्लू लगून बहुत वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर दुनिया में बहुत से लोग यहाँ पर आके पार्टीज़ वगैरह करते हैं, अपने जितने भी इवेंट्स हैं वो करते हैं इंटरनेशनली। तो यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट एरिया है ये, जहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये अभी ये जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये लोकल नहीं, यहाँ पर ये रेस्ट हाउसेज़ हैं। ये अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो हर कोई अपनी रेनोवेशंस कर रहा है, हमारे भी ऑफिस का काम काफ़ी रेनोवेशन पे चल रहा है तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो काम करते हैं वो यूके टाइमिंग के हिसाब से है। लोग यहाँ पे नॉर्मली जितनी भी जॉब्स हैं वो तो जैसे आप 8 से 9 स्टार्ट होती हैं, 8 से 9 और आगे ऑनवर्ड्स 5 से 6 बजे तक होती हैं, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है वो यूके टाइमिंग के हिसाब से है, यूके कस्टमर्स के हिसाब से होती है और उसको जो है हम जी। तो मैं बता रहा था आपको, ये मोबाइल मेरा हिल गया था और इसकी वजह से वीडियो का प्रॉब्लम आ गया। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये सारे मतलब यहाँ पे स्टोर्स हैं और लोग यहाँ पे अपनी अपनी रेनोवेशंस का काम कर रहे हैं, सारी रेस्टोरेंट्स और एरियाज अभी सेटल हो रहे हैं क्योंकि ये मार्च में के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में यहाँ पे सीज़न स्टार्ट हो जाता है और सीज़न जब स्टार्ट होता है तो बहुत से मतलब यहाँ पे कस्टमर्स हैं वो यूके से ज़्यादा आते हैं यहाँ पे और यूके में पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं विद फैमिलीज और ये टोटली फैमिली एरिया है। यहाँ पे रिक्रिएशंस हैं, यहाँ पे सफारी पार्क और बीचेस और मतलब डिफरेंट जो है ना रिक्रिएशंस यहाँ पे सारी वो इनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये घर से निकले अभी और साथ ही ये थोड़े से फासले के बाद हमारा ऑफिस का सेटअप है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। चलते चलते सांस चढ़ गया क्योंकि बोलना भी है चलना भी है। तो ये हमारी थोड़ी सी रूटीन है, अभी मैं अभी आपको अपना काम की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए इन्होंने मुझे हायर किया। मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था फरवरी 2022 में, 2022 की फरवरी को मैंने ज्वाइन किया और इन्होंने फिर मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि मेरा वर्क परमिट वगैरह फिर इन्होंने इशू किया और उसके बाद ये जो ना हमारा काम स्टार्ट हुआ और अभी लीगली जो है ना मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। ये सारी जो टीम है रेनोवेशन का काम चल रहा है, मैं अभी एंटर हो रहा हूँ। यू हैव द चार्ज, आई एम जस्ट मेकिंग अ व्लॉग फॉर माय चैनल, सो हाउ यू डूइंग, जस्ट वर्किंग, ही इज माय बॉस एक्चुअली एंड ही डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ बॉस। No, no, I don't like the boss. Yeah, yes, but we are family like here. Because he stay with me. Yeah, I am staying with him. Yeah, exactly. So, this is Fateh,
our main alaman. No, no, alaman, yok. Oh, what is patron? Yeah. Yeah. He's our boss, second boss. His name is Fateh. And where is Django? So, hey, Django. Django, man. His name is Jangis. Yes. And he is my younger brother. Yeah. और ये मेरे साथ हमेशा लड़ाई करता है और मैं इसके साथ करता हूँ. आई फाइट विद यू एंड यू फाइट विद मी. ऑलवेज. नो नो, दिस इज मुस्फा. मुस्फा आबे से. यू वांट द चार्जिंग. सो अभी हम यहाँ पे एंटर हुए हैं. ये अभी सारा आप देख रहे हैं कि ये मेस क्रिएटेड है. सारा स्टॉक इनका आगे पीछे, क्योंकि ये सारा रेनोवेशन का काम चल रहा था. अभी ये लाइटिंग वगैरह कुछ प्रॉपर इन्होंने करवाई है. तो ये सारी लाइटिंग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सीलिंग में. मैं डिफरेंट किस्म की ये लाइटिंग्स, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की है इन्होंने. और ये हमारा एक सेटअप है. हमारा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में है जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने हमें ये सेटअप दिया है जी. यहाँ पे हम बैठ के अपना काम करते हैं. ये सोफाज लगे हैं और मैं अभी आपको शुगर मोबाइल. ओह माय गॉड. सो व्हाट दे हैव डन इन माय एब्सेंस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कोई ना हो तो फिर क्या हालात होते हैं ये लड़कों के. ओहो. ओके, मैं ये सारे टैग्स वगैरह उठा दूँ. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे मेस क्रिएटेड है, उसके लिए मैं पहले से माजरत खाऊँ, क्योंकि जो हालात हैं वो यहाँ पे हमारा सिर्फ टेम्परेरी सेटअप अभी बनाया. ऑफिस हमारा दूसरी बिल्डिंग में है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जब वहाँ पे जाऊँ तो आपको वो दिखाऊँ. तो ओके. सो अभी मैं आपको थोड़ी सी रूटीन अपनी बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा काम की रूटीन क्या है. ये तो खराब हो गई है, पानी डल गया इस पर जी. पहले तो यहाँ पे जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो मैंने इनको चाहिए था एक ऑनलाइन सेल सिस्टम के लिए अपना जो प्रमोटर, और सेकंडली इनकी जो सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए इनको आईटी इंजीनियर की ज़रूरत थी. और उस आईटी इंजीनियर को मतलब इन्होंने जब मुझे हायर किया तो मुझे यहाँ पे आके एक दो माह मुझे लगे. मैंने इनका सेटअप सारा देखा, उसके बाद R&D की. ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की डिवेलपमेंट करते हैं, मैनुफैक्चरिंग करते हैं, और उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रीमियम ग्रेड क्वालिटी की कॉपीज़ तैयार करते हैं. सीधी सी बात ये जो मैं आपको बता रहा हूँ. और लेकिन वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में और UK में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं इनके जो यहाँ से इनसे बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं. एट ए टाइम मोस्टली पर डे मतलब 20,000 to 30,000 पीपल जो टूरिस्ट हैं ना, वो यहाँ पे इन द सीज़न एरिया होते हैं. सो प्रॉब्लम ये आती है कि इनका ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे एक सीज़न रहता है 6 से 7 महीने तक. 6 से 7 महीने के बाद इनका सीज़न हो जाता है ऑफ, और उसके बाद जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो उन दिनों में यहाँ पे वो ऐसे होता है जैसे ज़ॉम्बीज़ का एरिया होता है, बिल्कुल खामोशी और कोई लोग नहीं यहाँ पे आते. तो इनको ये चाहिए था कि ये हमको ऐसा सेटअप क्रिएट करें कि सीज़न के विंटर सीज़न में भी हमारा ऑनलाइन का सेटअप चलता रहे, हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते रहें. तो हमारे अपने फेसबुक पेजेस हैं जो मैंने आपके यहाँ पे आके क्रिएट किए. इनके इंस्टाग्राम था, उसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, और फिर उसके बाद इनकी वेबसाइट. और जब वेबसाइट हमने क्रिएट की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो वेबसाइट के ऑर्डर्स हैं वो भी कंट्री, वहाँ से आउट ऑफ कंट्री और पूरी वर्ल्ड से हमारे पास आ रहे हैं. इवन कि मुझे कुवैत से कोट्स के ऑर्डर आए हैं. मुझे नहीं पता उस बंदे ने कैसे पहने होंगे, लेकिन मैंने कुवैत में कोट्स भिजवा दिए हैं. तो इस तरीके से हमारा काम चलता है. बाकी दिन में साथ साथ अभी थोड़ी देर तक हमारे यहाँ पे जो मुहासिब हैं वो भी आने वाले हैं, जिन्होंने अकाउंटेंट जिनको बोलते हैं वो. मेरा वर्क परमिट की एक्सपायरी नज़दीक थी तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत साथ दिखाऊंगा कि वो कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है. Bana atmıştım, beni açarsan görürsün. Ben bak, bir dakika abi, ben bak.
की दौलत में, खूब आनंद मेरी दौलत। On yedi. Evet. No number. Numara 8. İç kapı. Kapı numara 5. Kapı numara 5. Evet. Evet. Bu ne? Cep telefon numara. Benim e-posta. E-posta. जी अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो हमारा ऑफिस का दूसरा सेटअप है, जहाँ पे मेरा ऑफिस और ये सारी चीज़ें दोबारा रेनोवेशन का काम हो रहा था, तो हम वक्ती तौर पे इधर पे शिफ्ट हुए थे। तो ये अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं और सारे लोग अपनी अपनी रेनोवेशन का काम यहाँ पे करवा रहे हैं। Okay. तो ये सारे बार हैं यहाँ पे, लोग आना शुरू हो चुके हैं, लोगों के काम चल रहे हैं, सारे जिस आप देख रहे हैं सारी शॉप्स का काम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? या वेरी गुड, थैंक यू। ओके जी, तो यहाँ पे मुझे तकरीबन एक साल हो गया इनके साथ काम करते, और जब ये सीज़न ऑफ होता है तो यहाँ पे मोस्टली लोग अपनी कंस्ट्रक्शंस का काम, रेनोवेशंस का दोबारा, मतलब ये सेकंड सेटअप है जो हमारा, ये मैं अभी आपको ये देख सकते हैं आप कितना काम चल रहा है, सारी चीज़ें। ये दूसरा ऑफिस का सेटअप है, ये पूरा आउटलेट है जो दोबारा से बना रहे हैं, और यहाँ पे ये हर चीज़ को रेनोवेट करके हर चीज़ के सेक्शंस होते हैं हमारे पास, हर आइटम्स के यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह सारा लगेगा। और फिर ये नीचे हमारा ऑफिस, पहले ये बिल्डिंग वगैरह अभी इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की है, तो ये नीचे ऑफिस है। मैं एक मिनट अभी आपको कैमरा टिल्ट करता हूँ तो ताकि आपको पता चल सके। ये वो बिल्डिंग है, यहाँ पे बिग बॉस बैठे हैं, काम कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर किचन, ये हमारा शेफ आज के दिन का। जेंगो, व्हाट आर यू मेकिंग? हाजरदेल। What are you making? ये किचन में जी हमारा खाना तैयार हो रहा है जो कंपनी की तरफ से दिन के टाइम। Oh, that's good. Looking good. और this is Cengiz Abi. He is my big brother. Cengiz Abi, how are you? Good. Good. Okay. Are you tired now? I'm just making video. I'm good. Yeah. Evet. सो ये वो सेटअप है जी ऑफिस का, यहाँ पे ये सारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अभी इसका। तो ये मेरा ऑफिस है जिसको इन्होंने अभी रेनोवेट कर रहे हैं, तो ये सारी फ्लोरिंग वगैरह की है। पीछे ये नीचे इनकी सारी ये फैक्ट्री का सेटअप है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम, सॉरी जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ये टीम होती है, वो यहाँ पे इनकी रेक्टिफिकेशन सारी करती हैं। शूज़ का सेक्शन है, बैग्स का सेक्शन है, और बाकी नीचे से ये फिर आगे बिल्डिंग के अंदर सारा ये नेक्स्ट सेक्शन है जो अभी बनना है, लेकिन अभी ये इसका सारा काम कंप्लीट होने वाला है। तो इस सारे सेटअप के अंदर हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये हमारा किचन है, कंपनी किचन। यहाँ पे सीजन में हमारे पास शेफ होती हैं, एक इनकी वाइफ है ये चंगेज आबे इनकी, तो वो यहाँ पे तीन टाइम का हमारा खाने का सेटअप और ईच एंड एवरीथिंग इनके जिम्मे होता है। तो ये एक छोटा सा व्यू था जो अपने काम की सेटअप में दिखा रहा था, है तो मेस क्रिएटेड था, जैसे ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये हमारा काम का डेली की रूटीन है, जहाँ पे हम मोस्टली हमारा काम तो ऑनलाइन का है ना, तो ये लोग हमारी टीम के वो मेंबर्स हैं
जो हर टाइम यहाँ पे होते हैं। अजान हो रही है, फिर अजान के बाद इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू। ये हमारी जामे मस्जिद है। अभी हमारी ब्रेक हो गई है और अब हम 2 घंटे की ब्रेक होती है हमारी यूजुअली, जिसमें हम खाना शाना खाने के बाद 2 घंटे का रेस्ट होता है, जिसमें हम अपने घर, तो मेरा नज़दीक ही है, साथ ही है, तो फिर इसलिए हम घर आ जाते हैं। इसमें आज आपने देखा होगा कि साथ हमारा वर्क परमिट का जो प्रोसेस है उसको हमने कम्प्लीट किया है एक्सटेंशन के लिए। मेरा पिछला वर्क परमिट जो था वो तकरीबन 5 महीने का वो बना था, क्योंकि मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी जो थी वो नज़दीक थी, उसकी वजह से वैलिडिटी कम होने की वजह से मुझे मेरा वर्क परमिट कम डेट का इशू हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो तकरीबन 3 साल का अभी अप्लाई किया, देखें वो कितना बन के आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से वो अप्रूवल होता है तो उसके बाद आएगा। तो इस वर्क परमिट के मुतालिक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी रिसेंटली पता चली हैं कि इसमें कौन से प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने होते हैं, रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हमने टेक केयर करना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ये छोटी सी रूटीन थी हमारी काम करने की और टीम वगैरह से आपसे आपकी मुलाकात इसलिए करवाई कि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं और किसी किस्म की जो इन्वायरमेंट होती है उसमें अगर आप अपनी काबिलियत को प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हो तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। जैसे आपने ये देखा है कि ओनर भी मुझे बॉस नहीं कहता कि मुझे बॉस बुलाओ, वो मुझे डांटता था, कहता मुझे भाई क्यों नहीं कहते हो, इस वजह से कि आप अपने काम से लॉयल होंगे तो आपको उसके रिगार्ड्स भी उसी हिसाब से मिलता है। थैंक यू वेरी मच।